आखरे जेनी वर्षोथी राह जोवाई रही हती ते पूर्ण थई रही छे। प्रधानमंत्री अयोध्या में राम मंदिर ना भूमिपूजन माटे ईंट मूकी लाखों राम भक्तों ना स्वप्न ने साकार कर्यु छे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अयोध्या में 12:44 राम मंदिर नो पायो मूक्यो। मात्र 32 सेकंड शुभ मुहूर्त हतुं। आ पहला 31 वर्ष जूनी नव शिलाओनुं पूजन करवामां आव्युं हतुं। चांदी ईंटो की पूजा करती। आ पहला तेमणे हनुमान गढ़ी और त्यार पछी रामलला ने साष्टांग प्रणाम कर्या। તેઓ રામલલાના દર્શન અને હનુમાનગઢી જનારા પહેલા વડાપ્રધાન છે। તો પ્રધાનમંત્રીએ આ શુભ ઘડી નિમિત્તે પૂજા અર્ચન સમાપ્ત કરી ત્યારબાદ સંબોધન પણ કર્યું હતું। તેઓએ પોતાના સંબોધનમાં રામ મંદિરનો અવસર આખા દેશ માટે એક શુભ અવસર હોવાનું જણાવ્યું હતું। प्रभु राम जी को, माता जानकी को जरा याद कर लें, उसके बाद ही मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय। सियाराम, जय सियाराम। आज ये जयघोष सिर्फ सियाराम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गुंज पूरे विश्व भर में है। सभी देशवासियों को और विश्व भर में फैले करोड़ों करोड़ों भारत भक्तों को, राम भक्तों को आज के इस पवित्र अवसर पर कोटि कोटि बधाई। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान, यशस्वी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान आदित्य योगीनाथ जी, यूपी की गवर्नर बहन आनंदीबेन पटेल जी, परम पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज और हम सभी के श्रद्धे आदरणीय मोहनराव भागवत जी, और यहां पर हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए सभी संत परंपरा के महान तपस्वी जन, देश के सभी नागरिकों, ये मेरा सौभाग्य है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मुझे आमंत्रित किया इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने का अवसर दिया। मैं इसके लिए हृदय पूर्वक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का आभार व्यक्त करता हूं। और आना बड़ा स्वाभाविक भी था, क्योंकि राम काज किनु बिनु मोही कहां बिसरा। भारत